हुआ। ये कपड़े, ये खिलौने देखें कितने प्यारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। अल्लाह बरतना नसीब करे। अमीन। मेरी कितनी ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारे बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग अपने हाथ से करूं, लेकिन देखो बीमारी की वजह से बिस्तर से ही लग गई मैं तो। मेरी प्यारी मामा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, और फिर ठीक होके क्या करना है आपने? पूरा दिन बेबी के पीछे ही तो लगा रहना है। ये शर्ट देखिए कितनी प्यारी है। हाँ वाकई बहुत प्यारी है। सब बिना लाइए, इतना मना किया था उसे कि मत लाना, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती है। 1 लाख दफा तुम्हें समझाया है कि उस मनहूस से दूर रहो, तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है ना। तुम देखना, एक दिन तुमसे तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बच्चा छीन लेगी वो 5 औरत। मामा बीना ऐसी नहीं है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। सानिया, अगर मैं अपनी बीमारी की वजह से मसलहतन खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ, पहले अपनी तबीयत देखें, फिर करें उसकी मुखालफत। अच्छा, ज्यादा मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। इतना नुकसान उठा चुकी हो तुम, पता नहीं तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी। तुम देख रहे हैं ना, एक दिन वो तुम्हारे शौहर पे और तुम्हारे बच्चे पे कब्जा कर लेगी। तुम समझोगी कब? मैं कब समझूंगी? मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं मैं। पहले अपने आप को समझाने की कोशिश करो, वो ज्यादा जरूरी है। अगर समझ में नहीं आया ना, तो कम से कम मेरे सामने उस मनहूस की हिमायतें करना बंद कर दो, अल्लाह का वास्ते। नहीं करती उसकी हिमायतें। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, आप परेशान ना हो। जाओ, मैं सोना चाहती हूँ, जाओ। जिसको देखो उस मनुष्य का कलमा पढ़ता रहता है। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के फूंक दिया है सबके ऊपर उसने।